चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधि। इस श्रवण का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हम जुड़े और परिचय के साथ जुड़े। जब हम परिचय के साथ जुड़ेंगे, हम एक दूसरे को जानेंगे, तो हम एक साथ मिलकर के जो इस समाज पर आज तक इस देश में जो अत्याचार होते रहे हैं, उन अत्याचारों से हम एक साथ इकट्ठा होकर के लड़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट में बहुत सारी बातें हम बताते रहे हैं कि ये समण संघ क्या है और संगठन क्या है। अभी भी हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो जुड़ते हैं और संघ और संगठन के बीच में जो अंतर है उसकी परिभाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, उस लिबास से हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं जो संगठन का लिबास, जो संगठन चलाने वाले नेताओं ने हमारे ऊपर लादा था, उस लिबास से कुछ साथी अभी हमारे निकल नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये समण संघ जो जुड़े हैं लोग, ये संगठनों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं या उनको चंदा लेने वाले कह रहे हैं। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम उन संगठनों को चंदा लेने वाला कहें। हमारा मकसद ये है कि आज तक आपने जो काम किया, जिस प्रक्रिया के तहत काम किया, जिस कॉन्सेप्ट के साथ काम किया और जिस मकसद के लिए आपने काम किया, उस मकसद का परिणाम आज तक हमारे समाज को नहीं मिला। अर्थात जो बाबा साहब अंबेडकर ने हमें जो अधिकार दिए थे, जब से इन संगठनों का निर्माण हुआ है, जब एक सेना तैयार होती है और जब हम एक सेना मजबूत बनाते हैं, तो सेना की जिम्मेदारी होती है कि वो उस राष्ट्र की, उस देश की रक्षा और सुरक्षा करे। अगर संगठन बनाने वालों ने संगठनों का निर्माण किया तो उनकी जिम्मेदारी थी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमको अधिकार, संवैधानिक अधिकार इस देश में दिए, उनकी रक्षा और सुरक्षा होनी चाहिए थी। लेकिन जो जो संगठनों का निर्माण होता गया, लोगों में एक लालच का भाव पैदा हुआ और हमारे बीच में आकर के संगठन के नेताओं ने हमसे कहा कि आप पे बैक टू सोसाइटी करिएगा, और पे बैक टू सोसाइटी के नाम पर हमको कहा कि आप हमें चंदा दीजिएगा, हमको पैसा दीजिएगा और हम आपके अधिकार बचाएंगे। हमने उनको चंदा दिया, हमने पैसा दिया, हमने उनको संसाधन जुटाए, लेकिन जो अधिकार हमारे थे, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हमको संवैधानिक अधिकार दिए थे, वो अधिकार नहीं बच पाए। अर्थात आपने जिस मकसद के लिए समाज को इकट्ठा करने की बात की थी, आपने संगठनों का निर्माण किया और जब एक संगठन में बहुत सारे लीडर पैदा हो गए, तो उन लीडर में आपसी फूट, चाहे चंदे की वजह से हुई हो, चाहे पद की वजह से हुई हो, उन्होंने अलग संगठन बनाने का काम किया और उसी संगठन को तोड़ने का काम किया। जब संगठन को तोड़ने का काम किया, तो इस प्रकार से इस देश में इन संगठन बनाने वाले लोगों ने 29 लाख संगठनों का आविष्कार कर लिया। हम कहते हैं कि हमें बमण समाज ने 6,743 जातियों में बांटा, लेकिन भाई उन्होंने तो 6,743 में बांटा, आपने क्या काम किया? आपने हमें 29 लाख संगठनों में बांट दिया। 6,743 जातियों को आपने 29 लाख संगठनों में बांटने का काम किया। तो क्या दुश्मन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के क्या वो बमण समाज है, या ये संगठन के निर्माण करने वाले नेता ज्यादा दोषी है? तो हम इन संगठनों वालों से ये कहना चाहते हैं कि आप हमें जोड़ने की बात करते हो, आप इस शब्द को बार बार कहते हो कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करेंगे, लेकिन आपने तो संगठन बना बना करके
इन 6,743 जातियों को 29 लाख संगठनों में बांटने का काम किया। आपने तो बाबा साहब के मिशन में छुरा घोंपने का काम किया। मैं समझता हूं कि आप बाबा साहब अंबेडकर के उतने दोषी, उससे भी ज्यादा दोषी हैं जितना कि ब्राह्मण समाज नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप इकट्ठा होइएगा, आप हमको इकट्ठा करने की बात करते हो। हम आपकी एक बात पर, आप एक इशारे पर अब तक इकट्ठा होते रहे। आपने जब कहा हमसे चंदा देने को, पैसा देने को, हमने वो संसाधन जुटाए आपके लिए, हमने पैसा दिया, लेकिन आपने जो हमारे अधिकार थे, संवैधानिक अधिकार थे, उन अधिकारों को बचाने का काम नहीं किया। इसलिए हम संगठनों की तरफ उंगली उठाते हैं और हम उनको आगाह करते हैं। हम आज भी कहते हैं उनको कि तुम इकट्ठा होइएगा, अगर तुम इकट्ठा हो जाओगे और इकट्ठा होकर के तुम हमारे अधिकार को बचाने का काम करोगे तो हम आज भी तुमको पैसा देने को तैयार हैं। लेकिन तुम केवल पैसा लेकर के अपनी जेब भरने का काम करते हो, और इस पद के प्रति इतना लगाव आपको हो चुका है, इतना प्यार आपको हो चुका है कि आप उस पद को छोड़ना नहीं चाहते और संगठन पर संगठनों का निर्माण करते जा रहे हो। 4 लाख संगठन इस देश में समण समाज के एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे अधिकार बच पाए, ये हमें सोचना पड़ेगा। इन संगठनों से हमें जवाबदेही मांगनी पड़ेगी। एक किसान भी अपने खेत में जब किसी फसल को बोता है, अगर वो फसल सही तरीके से उपज नहीं दे पाती है, वो खेत सही तरीके से उपज नहीं दे पाता है, तो किसान भी अपना अपना कोई नया टेक्निक उसमें लगाता है, अपना कोई नई खाद उसमें डालता है, उसमें नए तरीके से मेहनत करने का काम करता है। लेकिन आप लोग, देश आजाद होने के बाद 70-72 साल हमें देश का संविधान लागू हो गया, उसके बाद भी आपको ये बात समझ में नहीं आई कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो अधिकार दिए थे, वो अधिकार आज तक हम उनकी सुरक्षा करने में, उनकी रक्षा करने में नाकामयाब रहे। तो आपने कभी इस बात का चिंतन नहीं किया कि हमें अब क्या करना चाहिए। आप दिन पर दिन संगठन बनाते जा रहे हो और आपने संगठनों का इतना निर्माण कर दिया कि 29 लाख संगठन आपने बना दिए। सोचने की जरूरत है, हमको चिंतन करने की जरूरत है। आज कुछ हमारे विद्वान साथियों ने, आज इस प्रकृति में आप देखेंगे, इस पृथ्वी में देखेंगे, इतने सारे एक संसाधन छुपे हुए हैं, उनको खोज खोज करके प्रत्येक देश अपने देश का विकास करता है, प्रत्येक देश अपने संसाधन जुटाने का काम करता है। इसके अंदर तेल है, इसके अंदर सोना है, इसके अंदर हीरा है, कोयला है, इतने सारी संपदाएं इस प्रकृति के अंदर हैं। उसी प्रकार से हमारे विद्वान साथियों ने जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा थी, उस विचारधारा को पुनः खोजने का काम किया है और पुनः खोज करके ये समाज के बीच में लाने का काम किया है। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ उन विद्वान साथियों को कि जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ला करके समाज को जोड़ने की एक मुहिम चलाने का काम किया है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि जो इस समाज में पैदा होता है, इस समण समाज में पैदा होता है, वो इस समण समाज का सदस्य है। इसलिए जो भी विद्वान साथी इसमें, इस समण के समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो साधुवाद के पात्र हैं। संगठन चंदा लेने का काम करता है, समण संघ आपसे चंदा लेने का काम नहीं करेगा। इसमें केवल एक ही प्रमोशन होता है, आप अगर इस पे जुड़ते हैं, आप अगर स्वयं कहते हैं कि मैं इसमें एक्टिव रूप से काम करना चाहता हूं, तो आपका नाम नोट किया जाएगा और आपको एक्टिव रूप से काम करने के लिए स्पोक बनाया जाएगा, प्रवक्ता बनाया जाएगा, और आपकी एक जिम्मेदारी हो जाती है। हम जब किसी की तारीफ करते हैं, सुधीर जी ने एक बार कहा कि जब कोई मेरी तारीफ करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर पर और ज्यादा वजन आने वाला है। ये सही बात है। जब एक बच्चा कोई 70% मार्क्स लाता है और सब उसकी तारीफ करते हैं, तो उस बच्चे पर एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि नेक्स्ट टाइम में उसको 70% से ज्यादा नंबर लाना है। उसी प्रकार से समण संघ में जितने भी लोग, जुड़ने वाले लोग हैं, अगर वो इससे जुड़ते हैं तो अपनी वो जिम्मेदारी तय करें, वो अपनी ड्यूटी तय करें कि मुझे समण समाज के लिए क्या करना है, मुझे पे बैक टू सोसाइटी कैसे करना है, ये हमें तय करना है।
तो अगर किसी की हम तारीफ करते हैं, अगर किसी को यहाँ पर स्पोक्स बनाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है 1+10 की। 1+10 का फार्मूला ऐसा फार्मूला है कि व्यक्ति स्वयं जुड़ा है तो उसको 10 लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी होती है। वो 10 लोगों को जोड़ेगा तो ही हम समझें कि वो व्यक्ति समण समाज के लिए एक्टिव रूप से काम कर रहा है। कुछ साथी अभी भी मेरी जानकारी में ऐसे हैं कि वो जुड़ते हैं, डेली जुड़ते हैं। बहुत से साथी तो ऐसे हैं कि महीनों से जुड़ रहे हैं लेकिन अभी भी वो अपनी जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, इस प्रकार से हम अपने जो अधिकार हैं इस देश में कैसे सुरक्षित रख पाएंगे, कैसे हम अधिकारों को बचा पाएंगे। अगर केवल जुड़ना ही काफी है तो जुड़ने के साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, हमें काम भी करना पड़ेगा। केवल जुड़ना ही काफी नहीं है, जुड़ने के साथ साथ लोगों को जोड़ने का भी हमको काम करना पड़ेगा। ये हमारा जो समण संघ है, ये हमें सबको एक जगह इकट्ठा करके, जिस प्रकार से मधुमक्खियां एक जगह सब इकट्ठा हो जाती हैं, जिस प्रकार से चींटियां सब जगह एक इकट्ठा हो जाती है, और जो समाज एक जगह इकट्ठा हो जाता है उसकी तरफ को कोई उंगली उठा करके नहीं देख सकता है। ये उदाहरण हम सिखों से ले सकते हैं। इस देश में मात्र 2 करोड़ सिख हैं, और 2 करोड़ सिख हैं उनके तमाम गुरुद्वारे मिलेंगे, तमाम उनकी सत्संगत मिलेगी, लेकिन उनकी तरफ को ना उनकी कोई पगड़ी उछाल सकता है, ना उनकी कोई दाढ़ी काट सकता है, ना कोई उनकी मूंछ काट सकता है, ना उनकी बहन बेटियों के साथ किसी प्रकार का अत्याचार हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो समझते हैं, क्योंकि जिस समाज को इस तरह से संगठित रहने की अगर उसे शिक्षा मिली हो, उस समाज की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसलिए हमको भी इकट्ठा होना पड़ेगा। जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे तब तक हम अपने अधिकारों को नहीं बचा सकते। आज हमारे समाज के साथ जो भी अत्याचार होते हैं, अत्याचार करने वाला उस व्यक्ति की, उस समाज का पूरा विश्लेषण कर लेता है, उस समाज के बारे में पूरी जानकारी कर लेता है, तभी उस पर अत्याचार करता है। वो देख लेता है कि ये समाज जुड़ा कितना है, वो देख लेता है कि ये समाज इकट्ठा कितना है। अगर हम कोई कार्य भी करें तो इकट्ठा होकर के करें, और जो लोग इकट्ठा होते हैं उन पर कोई कभी उंगली नहीं उठा सकता, उनके कोई अधिकार नहीं छीन सकता, उनके साथ कोई अत्याचार नहीं कर सकता। तो हम जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, जब तक एक साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम ना तो अपने अधिकारों को बचा सकते हैं, ना अपने समाज पर होने वाले अत्याचारों को बचा सकते हैं। जब हम इकट्ठा होंगे तो जो भी राजनीतिक पार्टी होगी, जो भी समाज होगा, वो हमारे हमारे इशारे पर चलेगा। इस देश में जो भी सरकार होगी, जो भी कोई होगा, वो हमारे इशारे पर चलेगा। क्यों? क्योंकि हम इकट्ठा हैं, और जो जिन लोगों की जमात इकट्ठा होती है उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनका कोई अत्याचार नहीं कर सकता। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यही विराम दूंगा कि आपने मेरी बात को अच्छे से सुना। और इसमें संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने भी कहा है कि पराधीनता पाप है। हमारे लोग आज भी पराधीन है। पराधीनता पाप है, जान लियो री मीत, रैदास पराधीन को कौन करे है प्रीत। अगर आप पराधीन रहोगे, जब तक आप स्वाधीन नहीं हो जाओगे, जब तक आप स्वयं रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाओगे, तब तक आपके साथ अत्याचार होता रहेगा, हमारे साथ अत्याचार होता रहेगा। तो समण संघ का ये जो कॉन्सेप्ट है जुड़ने और जोड़ने का, ये लगता है कि बहुत आसान काम है, लेकिन हमें लगता है कि आज जब हमने जोड़ने का काम किया तो लगा कि ये लोगों को जोड़ना कितना कठिन काम है, लोगों को इकट्ठा करना कितना कठिन काम है। तो साथियों, मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि सभी लोग जो जुड़े हैं इसमें, जोड़ने का काम करें, सबको इकट्ठा करने का काम करें, सभी अपने बीच में भाईचारा पैदा करें। क्योंकि जब तक हम भाईचारा पैदा नहीं करेंगे, जब तक अपने अहम और वहम से नहीं निकलेंगे, हमें अहम अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने धन का, क्योंकि व्यक्ति समाज में अपना जो पिक्चर है वो स्वयं बनाता है, और जब वो पिक्चर टूटती है तो उसको बड़ा दुख होता है, उसे बड़ा मलाल आता है। तो हम अपनी पिक्चर समाज में, अपना चेहरा, अपनी पिक्चर ऐसी ना बना लें कि हमें लगे कि हम बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, हम बहुत जो है हम बहुत सम्मान वाले लोग हैं। अगर ज्यादा सम्मान की चाह अगर हो जाएगी तो जिस दिन वो पिक्चर टूटेगी तो हमें दुख होगा। इसलिए हमें आपस में भाईचारा पैदा करते हुए, और समण समाज में यहाँ सब बराबर हैं, सबको बराबर का अधिकार है, और सभी को बराबर अपनी बात कहने का अधिकार है। जो जितना काम करेगा
जैसे जैसे काम करेगा वैसे वैसे उसको कंसीडर किया जाएगा यहाँ पर, वैसे वैसे उसकी मान्यता होगी, वैसे वैसे उसको ज्ञानवान की श्रेणी में रखा जाएगा। और जब जब जुड़ेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे, वैसे वैसे हम जीतते रहेंगे। 2 अक्टूबर 2018 का दिन हमें याद है, हम बार बार आपको याद दिलाते हैं कि इस समय पर ना कोई हमारा नेता था, ना कोई संगठन था, लेकिन एक आवाज पर केवल सोशल मीडिया के माध्यम से हम सड़कों पर उतरे थे और वो SC ST एक्ट जो है हमने बचा लिया था। हमारे अधिकार जा रहे हैं, हमको दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से दो रस्सा कसी वाली जो टीम होती है, जब एक तरफ की टीम कमजोर हो जाती है तो दूसरी टीम उसे और मजबूती से खींचने का काम करती है। तो उसी प्रकार से एक रस्सा कसी की टीम की तरह से अपने हाथों को मजबूत करिएगा, और हाथ तभी मजबूत होंगे जब हम एक साथ जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो हम जीतेंगे। जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जुड़ेंगे जीतेंगे, और जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।